है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आजकल आपने बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। सुना होगा आपने कि बिटकॉइन के रेट कितने हाई हो गए, कि $16,000 पहुंच गए या $19,000 पहुंच गए, ये आपने जरूर सुना होगा। ये आखिर बिटकॉइन है क्या? व्हाट इज द बिटकॉइन? असल में बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जैसे कि हम लेन देन करते हैं एक रुपए की फॉर्म में, जैसे हमारे पास 10 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, तो इन सभी को मान्यता देती है गवर्नमेंट, डॉलर को देती है वहां की सरकार मान्यता, विदेशों की जैसे अमेरिका की, और यहाँ हमारे रुपए को मान्यता देती है हमारी भारत सरकार। और उस पर लिखा भी होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ इस टाइप से, और उस पर गवर्नर के साइन भी होते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, न इसका कोई बैंक है, न इसकी कोई सरकार है, सिर्फ एक ही डिजिटल फॉर्म में है। और ये ऐसी करेंसी है जिसको लोग मान्यता देते हैं, जिसको बहुत से लोग ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ये डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। असल में अगर हम बात करें बिटकॉइन की, हम कहते हैं कि ये एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है, यानी कि कभी भी ये नीचे आ सकता है। हो सकता है बिटकॉइन में ऐसा हो कि अभी मान लीजिए 16,000 पे है या 19,000 पे है, हो सकता है 1 लाख पे भी आ जाए, $1,00,000 का हो जाए एक बिटकॉइन, लेकिन वहां से ये गिरेगा जरूर। अभी पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो आज से 1-2-3 साल पहले आई है। ये एक तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन तो उसकी एक करेंसी है, बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारी करेंसियां हैं जो चल रही हैं मार्केट में अभी भी। तो अब जैसे मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करूं, तो अभी हम जो पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो एक बैंक से हमने दूसरे बैंक में डाला तो एक मिडिल मैन होता है जो आपके पैसे को दूसरे बैंक में पहुंचाता है। आपका बैंक जिससे आपको ट्रांसफर कराना है, पहले आप सूचना उसमें भेजेंगे, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो या कैसे भी हो, वहां से वो फिर मीडिएटर पे जाएगी, वहां से वो पैसे आपके दूसरी बैंक में जाएंगे, फिर उस बैंक से आपके खाते में जाएंगे। हमारे देश में तो ये कुछ सेकंडों में या कुछ घंटों में होता है अगर आप डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो। लेकिन अगर आप विदेशों में बाहर भेज रहे हैं तो इसको पहले आप अपने बैंक में भेजेंगे, फिर मीडिएटर के द्वारा दूसरे बैंक में जाएगा, वहां पे वहां की बैंक से फिर उसके खाते में जाएगा। इसमें आपका 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसको कह रहे हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सीधे एक आदमी से दूसरे आदमी पे पैसे भेज रहे हैं। एक आदमी बिटकॉइन बेच रहा है, दूसरा बिटकॉइन ले रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है ये टेक्नोलॉजी। आज ये टेक्नोलॉजी हो सकता है लोग इसको मान्यता न दे रहे हों, बहुत सारे लोग कह रहे हों कि ये बवाल है क्या है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आप पैसे भेजें और आपका 1 सेकंड में पैसा दूसरे के पास सीधा पहुंच जाए, वो भी डिजिटल फॉर्म में, न कोई कागज, न कुछ लेन देन, न कुछ। और जो आपको बीच में जो टैक्स देना होता है, बैंकों को जो चार्ज देना होता है, वो भी नहीं देना पड़े तो कितना अच्छा हो। बहुत सारे बैंक हो सकता है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी का विरोध कर रही हूं, उसकी वजह ये है कि अगर ये हुआ तो उनकी कमीशन का क्या होगा, बैंकों का क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो शुरू में हर टेक्नोलॉजी को लोग मानते हैं ये सही नहीं है, तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बिटकॉइन में बबल आ सकता है,
वो नीचे आ सकता है कभी भी, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी है अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो। क्योंकि जहां तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, जब भी कोई नई चीज आती है तो लोग विरोध करते हैं। जब नेट आया था .com तो सन 2000 में सब लोग कहते थे फट जाएगा क्या होगा। ब्लू चिप कंपनियां उस समय उभरी, आईटी की कंपनियां बहुत चढ़ी, लोगों ने .com वाली कंपनियां बहुत ऊपर चढ़ी, हुआ क्या वो फिर नीचे आ गई। लेकिन इंटरनेट जिस पर ये टेक्नोलॉजी आधारित थी, जिस टेक्नोलॉजी पर ये आधारित थी, वो आज भी चल रहा है। तो बात यहाँ टेक्नोलॉजी की है। बिटकॉइन बेशक हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है वो महत्वपूर्ण है, वो कभी नीचे ना आए, और हो सकता है फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेस हो। तो हमें नई टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, किस तरह से ये काम कर रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए नई होती है। सबसे पहले किसी ने कहा था कि हमने बिजली से ट्रेन चलाई है, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिजली से ट्रेन कैसे चल सकती है, सारे ट्रेन में बिजली आ जाएगी। तो एक दिन उसने सबको बुलाया पत्रकारों को और कहा कि आइए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। उसने उनके सामने चला के दिखाया बिजली से उस ट्रेन को, और आज बिजली से ट्रेन चलती है। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, हर नई चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता इतनी आसानी से, लेकिन हमें जरूर उस पर गौर फरमाना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट वो इस तरह से करें कि जब चाहे बाहर आ जाए। मान लीजिए अभी गिरना स्टार्ट हुआ, 5-10% या 20% आपको लॉस हुआ, आप बाहर होने की क्षमता रखें। पता नहीं कहां से हो सकता है 1,00,000 तक चला जाए, 50,000 तक जाए, 40,000 तक जाए, पता नहीं कहां तक जाए, लेकिन एक दिन वापस जरूर आएगा। तो आप अभी इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि कब उन्हें निकलना है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।